मैं आरएसएस के लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ, और वो लोग जो इनकी शाखाओं में और इनके शिशु मंदिरों में जाकर पढ़ाई लिखाई करके आए हैं, कि एक इंटरव्यू के दौरान मोदी जी ने जो बात कही है वो आपके अंदर ये मानते हुए कि समझ कम है, और जो वो कहेंगे और जैसे वो हाकेंगे ये जानते हुए उन्होंने कही है। जब उन्होंने महात्मा गांधी का नाम लिया तो हर शाखा में जाने वाला बच्चा जानता है कि नथुराम गोडसे को भगवान की तरह और महात्मा गांधी को अपशब्द किस तरह से और कैसे करके घुमा फिरा कर डायरेक्टली कहे जाते हैं। लेकिन पूरी दुनिया के सामने नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी की मूर्तियों के सामने झुकते रहे। वो आज ये सोच रहे हैं कि जो अंतिम चरण है चुनाव का, उस दौरान मैं उन लोगों को कैसे पोलराइज और कम्युनलाइज करूं जो गांधी के लिए वोट करते हैं और जो गांधी के खिलाफ वोट करते हैं। वो मत प्रतिशत कितना भी कम हो, अगर शाखाओं में जाता है और बाकी जो है वो विभाजित हो जाता है तो उनके फायदे का ज़रूर हो सकता है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। इंडिया गठबंधन के आने के बाद वो हिस्सा, या यूँ कहूँ कि वो तबका मजबूत है और एक है, इससे आप नंबर्स में भी कम हैं। इसलिए मोदी जी जब इस बात को कहते हैं और आपको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करवाने के लिए ऐसी बात करते हैं ताकि आप महात्मा गांधी से नफरत की बातों को याद करके फिर से उनके पक्ष में वोट कर दें, तो याद रखिएगा कि आप अपने देश के साथ, आप दुनिया में जो देश का नाम है उसके साथ अन्याय भी कर रहे हैं और स्वयं के साथ भी, क्योंकि इतने साल आपको नौकरियां नहीं दे पाए मोदी जी, आपको नफरत की आग में झुलसाते रहे और ये उनका लास्ट ट्राई है। अब देखना है कि क्या आप देश के साथ खड़े हैं या आप अब भी नफरत में अंधे रहेंगे। यदि प्यार मोहब्बत को कुछ हद तक भी समझते होंगे, अगर देशभक्ति जरा सी भी आरएसएस के लोगों के अंदर होगी, भाजपाइयों के अंदर होगी, तो वो मोदी जी के खिलाफ वोट करेंगे, क्योंकि वो षड्यंत्र रच के आपका वोट पाने के लिए बस ये आखिरी कोशिश कर रहे हैं। देश को बचाइए, भक्तों आरएसएस के हों या भाजपा के, अब वक्त आ गया है दिखाने का कि आप भारत माता से सचमुच प्रेम करते हैं, और मोदी जी आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकते।